नमोस्तुचर श्री डॉक्टर पारस जैन जालना महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म किन कारणों से होता है, इसके उदय में आने पर कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? ज्ञानावरणी जो कर्म हैं वो बंद के आश्रय आदि के जो कारण हैं, किसी के ज्ञान को छुपाना, अपने ज्ञान को छुपाना या किसी ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने देना, किसी के ज्ञान में विघ्न पहुंचाना, बाधा पहुंचाना, जैसे कोई पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसके बीच में जाकर के उसकी पुस्तक बंद कर देना, उसको विघ्न पहुंचा दिया, अंतराय कर दिया, तो इन सब से भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। अथवा ज्ञानियों की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना, जो भी ज्ञान संबंधी कार्य हो रहा है या ज्ञान संबंधी शास्त्रादि हैं, उन सब की यदि हम विनय नहीं करते हैं और उनके प्रति हम निहन्नव भाव रखते हैं, प्रदोष भाव रखते हैं, उनमें दोष उत्पन्न करते हैं, ये सब जो हैं ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। और आपने पूछा कि इनके उदय में क्या होता है, तो जैसे जैसे कर्म की तीव्रता मंदतर जैसे उदय होगा तो ज्ञान की शक्ति जो है वो हमारे अंदर उद्घाटित जो होनी है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म सर्वघाती रूप से यदि उदय में आएगा तो बिल्कुल ज्ञान नगण्य रूप से होगा, तो ज्ञान की शक्ति बहुत है पर वो उजागर नहीं हो पा रही है, इसका ज्ञानावरणी कर्म का उदय ही कारण है। नमोस्तुचर श्री सुभाष रोकरे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। मंदिर जी के निर्माण कार्य में अज्ञात भाव से अनछने जल का प्रयोग करना ऐसी पाप क्रिया होती है, तो अभिप्राय प्रशस्त होने पर भी पाप कर्मों का आश्रय होगा क्या? जैन आगम में आया है कि मंदिर निर्माण, क्षेत्र निर्माण आदि निर्माण कार्य में यद्यपि शाबद्ध होता है, कुछ पाप होते हैं, जैसे मिट्टी को खोदेंगे, जल का उपयोग करेंगे आदि अनेक प्रकार के आरंभ सारंभ बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन यह कहा गया है कि उससे पुण्य की राशि अत्यंत ज़्यादा प्राप्त होने के कारण वह पाप भी जो है वह नगण्य हो जाता है। जिस भाव से आप बना रहे हैं, आपका अभिप्राय क्या है? किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं, आपका अभिप्राय है यहाँ पर लोग आत्म कल्याण करें, आत्म दर्शन करें, जिन दर्शन करें, जिन भगवान की पूजन करें, तो उससे कितने पापों का क्षय होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आचार्यों ने समझाया है कि सावध लेशो बहुपुण्य रासव, यद्यपि जिन पूजा या जिन निर्माण आदि मंदिर निर्माण आदि में हिंसा होती है, लेकिन वह हिंसा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पुण्य की राशि प्राप्त कराने वाली होती है, इसलिए इस प्रकार का विकल्प ना करें, सावधानियाँ जरूर रखें। नमोस्तुचर श्री शील चंदन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। मनुष्य को आचार और विचार क्या क्या सिखाता है? आचार और विचार, आचार व्यक्ति का आचरण बनता है और आचरण ही व्यक्ति की पहचान बनती है, इसलिए आचार जो व्यक्ति की पहचान, उसका कार्य, उसका काम दिखाता है और उसका भविष्य भी आचरण बताता है। विचार जो हैं व्यक्ति की मानसिकता बताता है कि इसके विचार इस प्रकार के हैं तो उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी आत्मा कैसी है, गंदी है, शुद्ध है, विचारों से पता चलता है। विचार यदि हिंसक हों तो इसका मतलब इसकी आत्मा क्रूर है, विचार यदि करुणाप्रद हों तो इसका मतलब है इसकी जो आत्मा है अत्यंत दयालु है, स्वभावी आत्मा है, शुद्ध स्वभावी आत्मा है। तो विचार हमारे जीवन की पहचान भी कराती है, हमारी आत्मा की पहचान कराती है। हमें विचार और आचार और आहार और व्यवहार, इन चारों की शुद्धि करना चाहिए, इनकी शुद्धि से ही आत्मा का और व्यक्ति का विकास होता है, इन बातों का ध्यान रखना। नमोस्तुचर श्री इंजीनियर पंकज पाटनी राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो फण होता है वह खंडित हो गया है, तो क्या प्रतिमा खंडित मानी जाएगी? गाड़ी में आप बैठे हुए हो, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए और आपका नुकसान न हो जाए, तो खंडित कौन होगा, गाड़ी या आप? ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सर्फ जो है वो भगवान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, इसलिए यदि वो खंडित हो जाता है तो प्रतिमा खंडित नहीं मानी जाती है।
प्रतिमा तो वो सर्वांग सही है और उसकी पूजा पाठ आराधना की जा सकती है। नमोस्तुचर श्री दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, अकाल मरण किस कर्म के बंध से होता है और शेष बची आयु का क्या होता है? जब जब हम किसी के जीवन जीने में बाधा पहुंचाते हैं तो उससे हमारा उस समय ऐसे कर्म बनते हैं जिससे अकाल मरण होता है, अंतराय कर्म उदय में आते हैं, विघ्न हमारे आयु में भी आने लगती है। तो इसलिए जब जब हम किसी के जीवन में, जैसे चींटी हैं, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मनुष्य हैं, कोई भी जीव हमारे सामने हो और यदि हम उसको उसके जीवन जीने में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे हम अवक्ष खा रहे हैं और अवक्ष खा करके उन जीवों को अपन ने मार दिया, तो ठीक है उनके जीवन में अपन ने बाधा आई नहीं आई, चींटियाँ बहुत सारी निकली और अपन ने वहाँ पर केमिकल डाल दिया या कोई औषधि डाल दी, वो चींटियाँ सब मर गईं, तो हमने उनके जीवन में बाधा पहुँचाई। तो जब जब हम किसी जीव के जीवन में बाधा पहुँचाएंगे, हमारा अंतराय कर्म इतना तीव्र बंधेगा कि वह अंतराय कर्म जब उदय में आएगा तो हमारे आयु कर्म में भी विघ्न पहुँचेगा, और आयु कर्म जब विघ्न पहुँचेगा तो जीव का क्या होगा, फिर अकाल मरण आदि होता है। हमारे पर्याप्तियाँ हैं, जो प्राण हैं उनमें ह्रास होगा, वो नाम कर्म की जो प्रगतियाँ हैं उनमें भी विघ्न बाधाएँ पहुँचेंगी जब वो उदय में आएंगी। तो इस प्रकार से हमें किसी के जीवन में बाधा नहीं पहुँचाना चाहिए। नमोस्तुचर श्री उषा जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, देवगति की आयु पूरी होने के पश्चात जो सिद्धियाँ देवों को मिली होती हैं क्या वह भी समाप्त हो जाती हैं क्या? जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हुई थीं वो वैक्रियक शरीर की अविनाभावी थीं, वैक्रियक शरीर था तो वो रिद्धियाँ भी थीं, जब वैक्रियक शरीर नहीं है तो वो रिद्धियाँ भी नहीं हैं, क्योंकि उपादान आत्मा की है, शक्ति आत्मा की है, लेकिन उसके लिए निमित्त, उसके लिए वैक्रियक शरीर था, निमित्त का अभाव हुआ तो उस उपादान का भी क्या हो गया, अभाव हो जाता है, इसलिए वो रिद्धियाँ वहीं पर रहती हैं, अन्य पर्याय में जाने के बाद देव के पास वो रिद्धियाँ नहीं होती हैं। नमोस्तुचर श्री प्रमला जैन लुधियाना से अपनी शंका रख रही हैं, गुरुदेव आपने बताया कि अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने से संप्राय का आश्रय होता है, तो हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हथियारों से ही सुरक्षा होती है, तो हथियारों की कमी नहीं है लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं हो पाती है, वो रखे की रखे रह जाते हैं और बुद्धि भी काम नहीं करती है। घरों में लोगों के पास पिस्तौल भी रखी है, तलवार भी रखी है, अन्य प्रकार के अस्त्र रखे हैं, और जब मृत्यु का निमित्त मिलता है किसी व्यक्ति के निमित्त से तो वो सब यहीं रखे रह जाते हैं, कोई काम नहीं आते हैं, आपका पुण्य ही आपका काम आता है। यदि आपका पुण्य तीव्र है, भाग तेज है, तो आपके पास अस्त्र भी नहीं हैं, तब भी वो अस्त्र वाला व्यक्ति भी आपके चरणों में झुक जाएगा, उसका बुद्धि चेंज हो जाएगी और वो छोड़ करके चला जाएगा। ये आप समझें, सिद्धांत को समझें, क्योंकि अस्त्र इसलिए मना कर रहे हैं आपके लिए कि आपके पास अस्त्र रहेंगे तो आप भी क्या है, कसायों में पड़ जाते हैं, इसलिए मना करते हैं, ठीक है ना। कभी क्रोध आया और आपने शस्त्र निकाल लिया, अपने को मार लिया, परिवार को भी मार लिया, दूसरे को मार लिया, तो इस प्रकार के बचाव होना बहुत ज़रूरी है। और फिर यदि कोई आकर आपको मारता है तो आप तो सम्यक दृष्टि हैं, आप कहाँ मरते हैं, शरीर ही गया। इस प्रकार की आत्म साधना में तल्लीन रहें, अपने परिणामों की रक्षा करें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखें, और कुछ होता है तो हमारा वो समाधि मरण ही कहलाएगा, ये ध्यान रखना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा शंका समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।